Hi friend, this is Taufeeq Alam here. Today we are going to learn about as well as. Friends, comment box में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि as well as का क्या यूज है. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि आप as well as को कैसे यूज कर सकते हैं. As well as को हिंदी में साथ ही साथ कहते हैं. चलिए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें. वह एक अध्यापक है, साथ ही साथ एक नेता भी. चलिए देखें फ्रेंड्स कि इसको कैसे बोलना है. ही इज अ टीचर एज वेल एज अ लीडर. यहां आप देख सकते हैं एज वेल एज से. तो एज वेल एज से हम दो नाउन को जोड़ते हैं और कई बार दो एडजेक्टिव को भी हम एज वेल एज से जोड़ते हैं. ही इज अ टीचर एज वेल एज अ लीडर. आइए फ्रेंड्स यहां देखें. वह लालची था, साथ ही साथ बेईमान भी. तो हम कहेंगे ही वॉज ग्रीडी एज वेल एज डिसऑनेस्ट. आप यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहां तो एडजेक्टिव एज वेल एज से जुड़ा हुआ है. तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि एज वेल एज को कैसे यूज करना है और एज वेल एज का क्या हिंदी सेंस होता है. अगर आपको कहना हो तुम खूबसूरत हो, साथ ही साथ शरीफ भी, तो आप कहेंगे यू आर हैंडसम एज वेल एज डिसेंट या एज वेल एज जेंटल. वह लंबा है, साथ ही साथ मजबूत भी. ही इज टॉल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग. मैं एक अध्यापक हूँ, साथ ही साथ एक खिलाड़ी भी. आई एम अ टीचर एज वेल एज अ प्लेयर. वह एक दुकानदार है, साथ ही साथ वह एक गायक भी है. तो हम कहेंगे ही इज अ शॉपकीपर एज वेल एज अ सिंगर. तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको एज वेल एज का यूज बड़े आसानी से समझ में आया होगा. फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो वाकई में समझ में आया तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए. बताएं कि वह बीवी का गुलाम है, साथ ही साथ कपड़ों का शौकीन भी. इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा. फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि मैं हर रोज आपके लिए एक नया लेसन लेकर आ सकूं. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में. तब तक के लिए बाय.